लेकर आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं? आज हम लोगों ने बहुत दुख के साथ आज एक बाद में दो दो छात्राओं के साथ जिस प्रकार से निवस्त्र करके गला दाब करके उसका चेहरा में तेजाब फेंक करके जिस तरह से हत्या किया गया, बहुत ही दुखनीय है कि झारखंड में कैसे होते रहता है। और यही कारण है कि झारखंड में रेपिस्ट बलात्कारों को सजा नहीं मिलने के कारण आज झारखंड सरकार भी सोई हुई है, आज पुलिस प्रशासन भी सोई हुई है। आज ममता सोरेन और नताशा अजमेरी से पहले भी झारखंड में कई छात्राओं, कई नारियों, कई महिलाओं के साथ ऐसा घटनाओं का घटित होती है, लेकिन उन दोषियों को सजा नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि दोषियों को आज बढ़ावा मिल रहा है, आज जिसके कारण आज हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं। ये संकेतिक दे रहे हैं कि आप प्रशासन के ऊपर दबाव बनाइए और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके फांसी का सजा मिलना चाहिए। नहीं तो हम लोग छात्र के ऊपर यदि ऐसा हुआ है तो पूरे झारखंड में, पूरे देश में आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। और जो दोषी है, सरकार यदि उसका पहल नहीं करती है, छात्र हम लोग ढूंढ के निकालेंगे और उसकी जिम्मेदारी झारखंड सरकार होगी। क्या नाम आपका? राजेंद्र। आज हम लोगों ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हम लोगों ने पुतला दहन किया। फिर जो झारखंड बीते दो तीन दिन पहले जो आपका 28-29 तारीख को दो घटना धनबाद जिले के अंतर्गत हुई है, और वो ममता सोरेन और असली नेता के साथ जिस तरह से दरिद्रों के साथ उनके साथ बलात्कार हुई है, उनको जिस तरह से उनके ऊपर तेजाब छिड़का गया, उनको निर्भय हत्या किया गया, आज तक दुर्भाग्य है कि वहाँ के जिला प्रशासन, धनबाद जिला के जिला प्रशासन आज भी उन दोषियों को पकड़ नहीं पाए हैं और सरकार इसमें पूरा चुप है। इसी लेकर के आज हम लोगों ने झारखंड सरकार का पुतला दहन किया और पुलिस प्रशासन और झारखंड सरकार का आह्वान करते हैं, वो दोनों छात्राएं के दो दोषियों को यथाशीघ्र उसको गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी की सजा दिया जाए। अन्यथा जिस तरह से अभी भी कई घटनाएं ऐसी हुई है, देव दुमका में भी आपका रामगढ़ का घटना, कई का कि छात्रों के साथ दिन बाय दिन ऐसे घटना होती जा रही है। सरकार और प्रशासन पूरा इसमें नहीं है, इसमें कोई कदम, ठोस कदम नहीं होता। ऐसे कई उन सभी दोषियों का जिस तरह से मनोबल बढ़ता जा रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार और प्रशासन पूरा चुप्पी है। इस नियम कानून में ये पूरा तंत्र में पूरा फेल है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। अगर अभी तक भी दोनों छात्र को न्याय नहीं मिलता, फिर हम लोग पूरा छात्र समन्वय समिति, सिद्धो कानून यूनिवर्सिटी, हम लोग पूरा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। श्यामदेव।